हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनू कुमार और आप अभी दरोगा मेंस का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज रहमान सर की लिखी किताब मेंस वाली किताब का है, सेट नंबर 2 है। कल हम लोग सेट नंबर 1 का प्रैक्टिस किए थे। मैंने उसमें सुझाव मांगा था आप सभी लोगों से कि उसमें क्या सुझाव हैं कि ताकि आपके उपयोग में आए ये कंटेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यूवर बनने की कोशिश करें, बस एक क्लिक किए और फिर स्किप हो गया, ऐसा नहीं। क्या इसमें डाला जाए, क्या शामिल किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए ताकि टिल एंड तक आपके उपयोग का मैटर हो। क्योंकि आपके उपयोग का अगर मैटर नहीं होगा तो आप इसे स्किप ही कर देंगे। इसलिए मैंने सुझाव मांगा था और अच्छा लगे तो ये भी कहा था कि इसे आप अपने दोस्तों को जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को, इस मैसेज को शेयर करें। तो आप अपना सुझाव ज़रूर दें कमेंट में ताकि मुझे पता चले कि किस तरीके का कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए कंटेंट। अगर ये ठीक है तो इसके बताने के, कहने के तरीके में क्या कोई सुधार चाहिए या क्या कुछ चाहिए, आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। मैक्सिमम लोगों का मैं कमेंट पढ़ूंगा और उनकी सुझाव को मैं मानूंगा। अगले वीडियो में मैं उसको शामिल भी करूंगा। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं पेपर 2 मॉडल सेट प्रैक्टिस 2 का, ठीक है। मैं 2 बार पढ़ने का प्रयास इसलिए करता हूं कि इसे देखिए, सेट तो इसमें आप स्क्रीन को देख करके लगा नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। इसे आप मेमोराइज कर सकते हैं, मेरी कही हुई बातों को आप सुन करके रिवाइज कर सकते हैं, उसे बार बार याद कर सकते हैं। तो ये सुनने के लायक ही होगा, पढ़ने के लायक तो नहीं होगा। मैं ये तो अपने अनुभव में सीधी सीधी बात ये कहता हूँ कि इस तरह से सेट तो नहीं लगाए जाते। तो इसके प्रश्न को सुने जा सकते हैं और इसके उत्तर को सुने जा सकते हैं, उसको जहन में बैठाया जा सकता है इसे सुन करके। तो आप सोते समय या फ्री टाइम में इसे सुन सकते हैं, सुन करके इसका लाभ ले सकते हैं। और फिर क्या कुछ करें या कुछ भी सुझाव अगर आपके अंदर आता है, आपके मन में उत्पन्न होता है, तो आप इस सुझाव को कमेंट में लिखित रूप में मुझे बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सेट 2 है ये रहमान सर के लिए, रहमान सर की किताब है, विद्यासागर से पब्लिश हुआ था। और मैं आपको हेडर फुटर दिखा देता हूँ। ये देखिए विद्यासागर ऑनलाइन टेस्ट .in ये वेबसाइट है और ये विद्यासागर का लोगो है, ये उसका ट्रेडमार्क है, ये लोगो है और इसमें वाटरमार्क भी डाला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है विद्यासागर। ये अब आइए प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सबमिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 2 कथन इसके विचार में दिए गए हैं एजेंडा 21 के बारे में, कौन सही है आइए जानते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, यानी कि 1 नंबर सही है, केवल 1। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा।
किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। दाब क्या होगा? दाब कम होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब दाब कम होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। सॉरी, यहाँ पे सुधार करना है। किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा। ठीक है, क्षेत्रफल बड़ा दाब कम, क्षेत्रफल जितना कम दाब उतना ही अधिक। तो यानी क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो यहाँ पे कम के जगह अधिक होना चाहिए। ये सॉरी, यहाँ पे अधिक है, यानी कि इस बी के जगह पे ए लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये बी गलती लिखा गया है, यहाँ पे ए लिखना है, यानी कि दाब अधिक होगा। क्षेत्रफल कम दाब अधिक, क्षेत्रफल ज़्यादा दाब कम। दाब का एस आई मात्रक पास्कल है। दाब एक अदिश राशि है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर करता है। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में एक चीन था, दूसरे देश कौन सा है? यानी कि अफीम युद्ध से क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। एक देश तो चीन है, परंतु दूसरा देश कौन है? तो भारत, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कौन सा है दूसरा देश? आइए जानते हैं। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा ब्रिटेन था। यानी कि अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के बीच हुआ। अफीम युद्ध के समापन नानजिंग की संधि द्वारा हुआ। ब्रिटेन ने इस युद्ध से चीन पर अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ किया। चीन को एशिया का मरीज भी कहा जाता है। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? पद्मिनी राउत, हम्पी कोनेरू, कृतिका नादिग, एस विजय लक्ष्मी। आइए जानते हैं। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी हैं। चार नंबर, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह तथा राजगुरु तथा सुखदेव तथा राजगुरु। इसमें से कौन सा सही है? आइए जानते हैं। केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था, यानी कि सी नंबर, बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर उस समय सदन में बहस चल रही थी। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जी सी हिल्टन था। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या का आरोप 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह के साथ राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई। निम्नलिखित में से भारत
का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है, यानी कि भारत के किस राज्य में सल्फर का उत्पादन सबसे अधिक होता है, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु? आइए जानते हैं। भारत का तमिलनाडु राज्य गंधक सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है, यानी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गंधक का उत्पादन होता है। विश्व में सर्वाधिक सल्फर का उत्पादन करने वाला देश अमेरिका है, यानी कि देश की बात करें तो अमेरिका, ठीक है। अपने देश में राज्य की बात करें तो तमिलनाडु। महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकृत राज्य है, ठीक है। अब महाराष्ट्र, पंजाब और असम के बारे में क्या खासियत है, चूँकि ये विकल्प में है तो उसके बारे में है। तो महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकृत राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र कहाँ, महाराष्ट्र में। पंजाब में ऊनी वस्त्र है सबसे ज़्यादा, पंजाब में ऊनी वस्त्र सबसे ज़्यादा। और असम में क्या, असम के बारे में नहीं लिखा गया है, यानी लिख देना चाहिए था असम के बारे में भी एक लाइन। तो आइए, हम लोगों ने यहाँ पर तीन ऑप्शन को जाना, और इसी तरीके से किताब में भी छपा हुआ है, हर प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। मुगल, सातवां नंबर क्वेश्चन, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है, तो उनसे जुड़ा हुआ कौन से तथ्य सही हैं। चार तथ्य दिए गए हैं, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, मनसबदारों के तीन वर्ग थे, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ठीक है। ये चार है, चार में से कौन सा ही है, तो सी, यानी मनसबदारों के तीन वर्ग थे, ये सही है, बाकी सब गलत है। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता तीन वर्गों में विभक्त थे, 10 से 500 तक मनसबदार, 500 से 2500 तक अमीर, तथा 2500 से ऊपर अमीर ए आजब कहलाते थे। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से तीन श्रेणियां में बांटा गया था। मनसबदारों का वेतन नगद व जांगीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। मनसबदारों की जागीरें स्थानांतरित कर दी जाती थी तथा ये मृत्यु पर जब्त की जा सकती थी। इस प्रकार मनसबदार अनुवांशिका नहीं होते थे। भारत के औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्था संस्थापक, बनारस का संस्कृत कॉलेज, ठीक है, संस्थापक विलियम जोन्स, यानी इसमें से कोई एक श्रेणी दिया हुआ, तीन तथ्य हैं, तीनों तथ्य संस्था और संस्थापक से जुड़ा हुआ है, इसमें से किसी एक का नाम गलत होगा, या तो संस्थापक गलत होगा या तो संस्था गलत होगा, तो कोई बात एक ही हो गई, संस्थापक गलत कहिए तो ऑटोमेटिक वो गलत हो जाएगा, दोनों की तालमेल नहीं मिलेगी। तो आइए जानते हैं, बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम्स जोन्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज ऑथर वे हेलेजली, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि एक ही सही है बाकी दो गलत हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सुमेलित है, तो मतलब आप चुनना है कि तीनों सही है या कौन सही है या सिर्फ एक, यानी कि एक सही है सिर्फ। युग्मों का सही सुमेलित इस प्रकार है, अच्छा, बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1791 में, तो यानी कि ये गलत है। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स, तो ये ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर्स केवल, यानी कि एक ही केवल सही हो रहा है। फोर्ट विलियम्स कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेले जली 1800 में, तो यहाँ पे दिया हुआ है आथर वेले जली, यानी कि ये गलत है। आइए नेक्स्ट जानते हैं, वो पेन नीचे नहीं आ रहा था।
किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? किस वर्ग की जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? उभयचर, स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी वर्ग। ठीक है, आइए जानते हैं। सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। सरीसृप वर्ग के सभी जंतु रेंगने वाला होता है, इसलिए इसे रेप्टिलिया कहते हैं, रेप्टिलिया कहा जाता है। सरीसृप वर्ग के जंतु के हृदय में 3 कक्षा होते हैं। अधिकांश जंतु स्थलीय किंतु कुछ जंतु जलीय भी होता है, जैसे मगरमच्छ। ठीक है, सरीसृप है लेकिन जलीय भी है और स्थलीय भी है। मगरमच्छ सबसे विशाल मांसाहारी जंतु है। इसका हृदय 4 कक्ष में बंटा रहता है, हालांकि 4th chamber अविकसित होता है। इसके त्वचा में तेल ग्रंथि नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसकी त्वचा सूखा होता है। सरीसृप वर्ग प्राणी अनियत तापी है। सरीसृप वर्ग के प्राणियों को अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। 10 नंबर प्रश्न, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य जोड़ते हैं? पाल घाट कौन कौन से जगहों को जोड़ता है, किस किस को पहाड़ियों का है, तो ये कौन कौन से पहाड़ियों को जोड़ता है, ये इस पर आधारित प्रश्न है। नीलगिरी और कार्ड मम पहाड़ियाँ। 2nd number है नीलगिरी और पालनी पहाड़ियाँ। तीसरा नंबर है अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। केरल में स्थित इस दर्रे में कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है, इन्हें ब्लू माउंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों को पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की संगम होता है। इसका सर्वोच्च शिखर दूधा बेटा है। पश्चिमी घाट में स्थित अन्नामलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है, इन्हें एलिफेंटा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ पहाड़ी के सर्वोच्च अन्नामलाई पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर अन्नाई मुद्दी है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव जो है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव को रख सकता है, भत्सरना प्रस्ताव को रख सकता है, स्थगन प्रस्ताव को रख सकता है, या विश्वास प्रस्ताव को रख सकता है? आइए जानते हैं। विश्वास प्रस्ताव को रख सकता है। तो हम लोग कहाँ थे? 11 नंबर में। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अवस्था उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। संसद में विश्वास प्रस्ताव
ठीक है, समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद यानी लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपनी बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। भारतीय संविधान के भाग चार में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। एक, दो और तीन, एक तथा दो, एक दो चार और एक दो तीन एवं चार, यहाँ पे दो की जगह पे तीन होगा, तो इस जगह पे जो है, चलिए आइए, इसका आंसर है एक और दो, यानी कि ये दोनों जो है सही है, सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के भाग चार में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के समान वेतन की चर्चा है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है, हालांकि यह भाग चार में उल्लेखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाह्यकारी नहीं है। भारतीय संविधान के भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। 13 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जवालोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद। तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी जवालोपनिषद में मिलती है। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण सभी आश्रमों में माना जाता है। छांदोग्योपनिषद में सब प्रथम प्रेम अर्थ बनाया गया है। कठोपनिषद में सर्वप्रथम आत्मा के अजर अमरता का उल्लेख किया जाता है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। 14 नंबर, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? बलवन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। और 14 नंबर है मोहम्मद तुगलक, इसका आंसर है सी नंबर, यानी कि सेना का दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो अस्थाई सेना रखा। अलाउद्दीन खिलजी सेना को नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान था। सिकंदर एसानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना के लिए दीवान अर्ज एक अलग विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। बाजार व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान दिरियासत की स्थापना किया था। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। सिपकीला, नाथुला, बामडिला, लिपुलेख, ठीक है। तो ये दर्रे हैं, पर्वतीय दर्रे हैं, और इसका पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाना है, ठीक है। तो आइए इसका सही क्रम क्या क्या कैसे कैसे है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दर्रा किन किन जगहों पे है।
सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बामडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, लिपु लेक दर्रा उत्तराखंड में है। इनकी सही पश्चिम एवं पूरब का क्रम जो होगा वो इस तरह से होगा, सिपकिल्ला, लिपु लेक और फिर नाथुला और बामडिल्ला। तो उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, एक्स तथा वाई किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 24,000 में कार्य पूरा करने का ठेका लिया, एक्स का हिस्सा कितना होगा। प्रश्न पे मैं इसे फिर से दोहरा देता हूँ, पढ़ देता हूँ, इसे कॉपी पेन से बना लीजिए। प्रश्न है, मैं इंटरफेस पे इसे रोक भी देता हूँ। चलिए, ये प्रश्न है, एक्स तथा वाई किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 24,000 में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, एक्स का हिस्सा कितना होगा। यानी एक काम को पूरा करने का कीमत 24,000 है, तो एक्स वाले को कितना रुपया मिलेगा अपने काम के हिसाब से उसको देना है। तो इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर है अनुपात में बांटा गया है 5:1, और इस प्रकार इसका फाइनल उत्तर आया है 20,000, एक्स का हिस्सा 20,000। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। तो साइड बराबर 1/√2 × √16² + 30² = 17, पेरीमीटर बराबर 4 × 17 = 68। मोडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है CPU और CRT, प्रिंटर और मुख्य स्मृति, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर, इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ। आंसर है, मोडम और हार्डवेयर युक्ति है जो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। प्रकाश का रंग का निवारण उसके तरंगदैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है, यानी कि रंग भिन्न 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 रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। उसके बाद रीजनिंग का प्रश्न है 20 नंबर, मैं इसे स्क्रीन पे होल्ड कर देता हूँ। चलिए, अब आप इसे पढ़ चुके हैं। ये रहा इसका आंसर। अब आइए नेक्स्ट, इसमें आकृति पूर्ण करने के लिए है, तो कौन सी आकृति होगी। तो इसे फिगर को देखने से ही पता चल जा रहा है कि डी डी होना चाहिए। डी में तो सेंटर में नहीं है, तो आकृति ए को ही लगाया जा सकता है, क्योंकि डी का टुकड़ा में जो है उस सेंटर में कुछ वो लाइनिंग नहीं है, साइड में है। तो ए सही आंसर होगा इस प्रकार से। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, ठीक है। तो इसमें से तीन कथन है, आंसर होगा अरसवल्ली मंदिर ए वाला, यानी केवल एक अरसवल्ली विख्यात है।
मंदिरों के लिए सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। अरसवली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। ठीक है, अरसवली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। अमरकंटक नर्मदा सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनुरूप जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। श्री जालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर सहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दशवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अब्बुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग इत्यादि उल्लेखनीय हैं। कश्मीर की अनकही कहानी गैर गोपनीयता के लेखक हैं। चित्रलेखा जुत्थी, काशीनाथ पंडित, बालचंद मल्होत्रा एवं मारूफ राजा सबा नकमी। कश्मीर की अनकही कहानी गैर गोपनीयता पुस्तक के लेखक बालचंद मल्होत्रा एवं मारूफ राजा हैं। कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन पुस्तक के लेखक चित्रलेखा जुत्सी है। 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक काशीनाथ पंडित हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक सबा नकवी हैं। बोलो दिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? फिलिस्तीन, यूक्रेन, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। वोलोदिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडेस हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडाडो हैं। सुमेलित करना है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। किससे कौन मैच करेगा, एक एक्स्ट्रा दिया गया है। अच्छा, चार चार है, ठीक है। तो सही सुमेलित इस प्रकार है, केंद्र सूची जनगणना के लिए, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए, अवशिष्ट विषय यानी केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। 27 नंबर प्रश्न, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने ... से धन अर्जित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक,
विश्व व्यापार संगठन। सी आंसर, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि राज्य। तो सी नंबर आंसर होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से धन अर्जित किया है। देश की सरकार द्वारा आम जनता और वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज सार्वजनिक ऋण कहलाता है। भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक ऋण केंद्र और राज्य सरकारों की कुल उधारी के रूप में जाता है। जब सरकार की खर्च आय से अधिक हो जाए तब घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। रिजर्व बैंक भारत के केंद्रीय बैंक हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 120, 119, 115, 106, 90। तो इसके बाद का पद कौन सा होगा? तो 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 9 घटा, फिर 16 घटा, फिर 25। तो ये क्या है? तो 65 होगा। उनतीस नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था? एंजल्स इटली, प्लेखा नोवा रूस, कार्ल मार्क्स जर्मनी, लेनिन रूस। तो इसका आंसर, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था जो जर्मनी का था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रूसी क्रांति के जनक के रूप में लेनिन को जाना जाता है जो बोल्शेविक दल के नेता थे। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी या की। डैश 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 एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी है। ठीक है, उत्तराध्याय, आदि पुराण, महापुराण, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ तथा महावीर की जीवनी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना गया है किंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा स्थापित किए गए चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ दिया गया। उसके बाद वह पंचायन धर्म हो गया। पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप है और महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है। 31 नंबर प्रश्न, पासर डोमेस्टिक्स को आमतौर पर डैश 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 के रूप में जाना जाता है। तोता, कौवा, गौरैया, कबूतर। तो गौरैया का वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिक है। तोता का वैज्ञानिक नाम सीटाक्यूला केमरी है। कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलुम्बिदाए है। कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवर्स एस्प्लेंडनस है। कोवर्स एस्प्लेंडनस है। संरक्षण क्षमता महोत्सव भारत की सरकार के तत्वाधान में आता है। वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। डी, संरक्षण क्षमता महोत्सव भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 43, 44, 45, 46। आंसर है 44। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरों तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा का आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? जास्कर, नुब्रा, श्योक, लोहित। लोहित नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है नहीं है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती हुई भारतीय भूभाग जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां सतलज रावी ब्यास, झेलम, चिन्नाव, जास्कर, स्यांग, सुयोग आदि है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल बंटवारे से संबंधित हुआ था। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है? तो पोपीर, भवाई, सत्तीरया, डांगी। आंसर है पोपीर। पोपीर नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है। भवाई राजस्थान का नृत्य है। सत्तीरया नृत्य असम राज्य का है। डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक था। लॉर्ड इरविन के काल में 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया जो 1928 ईस्वी में भारत आया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता कहा गया। लॉर्ड रीडिंग के काल में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लॉर्ड रीडिंग के काल में स्वराज पार्टी का गठन रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन 1905 हुआ था। लॉर्ड कर्जन के काल में 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जिसकी सिफारिश पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का सैनिक विद्रोह था। 1857 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग के काल में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? खुरकपुर, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर। तो इसका आंसर है गाजीपुर। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। भारत में सिविल सेवा की नींव इन्हीं के द्वारा रखा गया अतः कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इनकी कब्र स्थित है। 38 नंबर, अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? आयोडीन, नियॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अधातुओं में
आयोडीन चमकदार होती है। आयोडीन एक ठोस अधातु है। आयोडीन बैंगनी रंग का होता है तथा इसमें धातुई चमक पाई जाती है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। आयोडीन और एथाइल अल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। नियॉन एक अक्रिय गैस है। इसका उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोटने वाली गंध की गैस है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। महत्व का प्रश्न है, एक घर की कीमत प्रतिवर्ष 20% से बढ़ती है। यदि वर्तमान कीमत 7,20,000 है तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी? ठीक है, तो 5 लाख, 5,50,000, 4,50,000, 5,80,000, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। 40 नंबर, अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। पत्तियों के तल में वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में, वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में, वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में। अंतर्वेशी विभज्योतक पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक अस्थाई ऊतक के बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर के दोनों ओर पाए जाते हैं। यह वृद्धि करके अस्थाई ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? जेसी बोस, हिडेकी हुवाड़ा, जे थॉमसन, ओटाहान। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुवाड़ा ने की। परमाणु संरचना का जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। परमाणु विखंडन सिद्धांत ओटाधन ने किया। परमाणु भट्टी सर्वप्रथम एरनिको ने बनाया। परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया। जेसी बोस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, सीआर एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। लॉर्ड माउंटबेटन के काल में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को विभाजित करके एक नया राष्ट्र पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थे। चिपकुआ आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटकर, एम.एस. स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुड़ा, चंडी प्रसाद भट्ट। चिपकुआ आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। उन्होंने वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन के आधार भूमि बनी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सहकार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई।
वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ है वर्तमान लागत, ह्रासमान लागत, वर्तमान उत्पादन, वर्तमान आय। बी यानी कि ह्रासमान लागत, वर्तमान प्रतिफल या ह्रासमान लागतों से आशय उत्पादन की उस परिस्थिति से है जिसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत तथा सीमांत लागतों में भी ह्रास होता है। यह पद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। नागालैंड वर्ष 1963 ईस्वी में, प्रश्न नंबर 45, नागालैंड वर्ष 1963 ईस्वी में भारत के संविधान में संशोधन द्वारा हिस्सा बन गया। कौनवा संशोधन था ये? 17वां, 13वां, 16वां, 14वां। ठीक है, नागालैंड वर्ष 1963 में भारत के संविधान में संशोधन द्वारा हिस्सा बन गया, यानी नागालैंड हिस्सा बना कैसे? 1963 इसमें 13वां संशोधन का हिस्सा बना। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन पुडुचेरी को भारत का अंग तथा संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद को स्थापना का अधिकार दिया गया। 18वां संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य तथा हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई। 46वां, सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? लेड नाइट्रेट, टेट्राफिनाइल लेड, लेड क्लोराइड, टेट्रा इथाइल लेड। डी, सीसा युक्त पेट्रोल में टेट्राथाइलाइड लेड उपस्थित रहता है। सीसा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, सीसा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। लेड टेट्राथाइलाइड का उपयोग स्फोटन रोकने हेतु किया जाता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क गैलेना PBS से किया जाता है। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया? विकास स्वरूप, TS तिरुमूर्ति, विजय ठाकुर सिंह, हर्षवर्धन रिंगला। तो डी नंबर, हर्षवर्धन रिंगला। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हर्षवर्धन रिंगला को देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वह अभी अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह मौजूदा विदेश सचिव विजय शेखर गोखले की जगह लेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? ए बी पांड्या, शशि शेखर, मिहिर शाह, राजीव कुमार। सी नंबर, मिहिर शाह। केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। पेकिंग मानुस, नियंडरथल मानुस, क्रोमैग्नॉन मनुष्य का आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल्स को मानते हैं। क्रोमैग्नॉन का शरीर गठा हुआ और 166 सेंटीमीटर 6 फुट लंबा था तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तंकोलम का युद्ध हुआ था चोल और पांड्यों के मध्य, चोल और होयसल के मध्य, चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तंकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। परातक वन के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगा भूतुक द्वितीय के सहायता से तत्कुलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजियुकुंड की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। इसका उत्तर है पल्लव। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण पल्लवों के काल में हुआ।
महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण मामल्ल शैली में नरसिंह वर्मन वन ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण मामल्ल शैली में नरसिंहम वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंहम वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। निम्नलिखित युग्मों का विचार करिए। जनजाति राज्य लिंबू सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कुंद उड़ीसा, बोंडा तमिलनाडु, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मैच करता है? केवल एक और तीन मैच करता है, यानी कि लिंबू या क्यों योंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी निकीर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। डोंगरिया कौन जनजाति का संबंध उड़ीसा से है? बोंडा जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से ही है। 55 नंबर, हेल बाम किसका नाम है? अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, एक खिलौना, कार्टून चरित्र, पुच्छल तारा से है। हेल बाप पुच्छल तारा धूमकेतु है जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हिल और थॉमस बाप ने किया था। 56 नंबर, दक्षिणी आल्पस पर्वतमालाएं स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, न्यूजीलैंड में। दक्षिण आल्पस पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी अवोराकी माउंट कुक 3754 मीटर है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। संविधान संशोधन से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन 9 की दो विधियों का उल्लेख है। संविधान संशोधन दूसरा कथन, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा कथन, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। चौथा कथन, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो बी आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 368 द्वितीय के अनुसार संशोधन की दो विधियां दी गई हैं, एक कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा, और दूसरा इस प्रकार पारित संशोधन कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना होगा, उसे निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 3 माह 4 माह 6 माह 14 दिन। तो 4 माह तक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक का 4 माह तक रोक सकती है। संविधान के अनुच्छेद 1900 संविधान का अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयक को विधान परिषद को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो
आप इसका आंसर देख लिए, प्रश्न भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। इसका प्रश्न भी जो है इक्वेशन वाला है, रीजनिंग का। मैं प्रश्न पे होल्ड कर देता हूँ। चलिए इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसे पॉज कर करके आप देख सकते हैं। 61 भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946, 1947। इसका आंसर है बी, 1937। भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम प्रमुख न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ किसने लिखी है? रंजना सिंह, उर्वशी भास्कर, ममता मेहरोत्रा, ममता कालिया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ का विमोचन किया। इस पुस्तक की लेखिका ममता मेहरोत्रा है। यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण के जीवन दर्शन पर आधारित है। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को पदच्युत करने हेतु संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। जयप्रकाश नारायण की लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। आवर्धक लेंस क्या होता है? बृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, बृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो डी, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास एक उत्तल लेंस होता है जिसकी उपयोग पास की वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रायः आवर्धक लेंस को एक गोल फ्रेम में मढ़ा गया होता है जिसमें एक हत्या हैंडल भी लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 64, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्ट्ज कांच, रेशा कांच। तो है रेशा कांच। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेशा कांच फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्पोर्ट्स कार, हल्के विमान, विंड टरबाइन ब्लेड्स आदि बनाने में होता है। पाइरेक्स कांच का प्रयोग बर्तन, दवाइयां के पात्र तथा प्रयोगशाला में के उपकरण बनाने में किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा, विद्युत बल्ब व दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शी में लेंस बनाने में किया जाता है। क्वार्ट्ज कांच का प्रयोग लैम्बों के निर्माण करने में प्रयुक्त होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव्य है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्ट एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम को माले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909
के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया। इस तरह भारत में पहली बार सांप्रदायिकता के बीच पर मोहर इसी अधिनियम को माना जाता है। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह लॉर्ड विलियम्स वेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। टेन डिग्री चैनल किसके मध्य से गुजरती है? मालदीव व मिनी काय के मध्य, कावर्ती व निकोबार के मध्य, छोटा अंडमान व मिनी काय के मध्य, छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। आंसर है छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनी काय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल कावर्ती और मिनी काय के मध्य स्थित है। 67 नंबर प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, देहरादून, पुणे। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। 68 नंबर, उस्ताद बिस्मिल्ला खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998, 99, 2001, 2008। 2001 में किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्ला खां को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्ला खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वर्ष 2001 में स्वर कोकिली लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में M.S. सुब्बालक्ष्मी सी सुब्रमण्यम जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पश्चिम रविशंकर प्रोफेसर अमर्त्य सेन व गोपीनाथ बारदुल्लाई मरणोपरांत को वर्ष 1999 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2008 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर D और E क्रमशः दो बिंदु इस तरह है कि DE BC के पैरेलल है और AD/BD बराबर 5/6 है। त्रिभुज ABC के साथ संबंध चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफल का अनुपात है। प्रश्न पे मैं होल्ड कर देता हूँ, इसे आप कॉपी पे लिख लें या इसे पढ़ के समझ लें। चलिए अब इसका मैं उत्तर पे भी होल्ड कर देता हूँ। समरूपता का फॉर्मूला लगाना है। चलिए इसे आप होल्ड करके या तस्वीर को खींच करके इसे आप समझ सकते हैं। चलिए 70 नंबर प्रश्न पे मैं आता हूँ। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र है। ML T inverse 2, ML² T inverse 2, MT inverse 2, ML² तनाव पृष्ठ बट्टा बराबर बल बट्टा लंबाई बराबर ML T inverse 2/L बराबर MT inverse 2। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण M × LT inverse 2 = MLT inverse 2। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन बराबर ML T inverse 2 × L = ML² T inverse 2। इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है तो मैं इसे आपको कुछ समय दे देता हूँ। चलिए इसे आप इतने देर में लिख सकते हैं और एक बार यहाँ। चलिए ये हो गया। किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन को */ कहा जाता है? इथोलॉजी, इथनोलॉजी, एथिक्स, इथनोग्राफी,
तो इथनोग्राफी कहा जाता है। किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन को इथनोग्राफी कहा जाता है। मानवों सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। नैतिक आचार विकास से संबंधित अध्ययन को एथिक्स कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है 72 नंबर, रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पे होल्ड कर देता हूँ। चलिए, छोटे छोटे हो गए हैं स्क्रीन, लेकिन दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं आपको रोक दिया, अब मैं इसके उत्तर पे भी रोक देता हूँ। चलिए, अभी आप इसे नोट करके समझ सकते हैं। चलिए, अब 73 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का क्रांति, चंपारण सत्याग्रह, 1917 खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1919 से 22, 1942 की अगस्त क्रांति। तो आंसर सी है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 तक। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है? तो चलिए, मैं आपको प्रश्न एवं उत्तर दोनों पे होल्ड कर देता हूँ। 74 नंबर, तो 74 नंबर पे मैंने कर दिया है, अभी इसे आप आसानी से समझ सकते हैं देख करके, पॉज करके वीडियो को। 75 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खां, एम ए जिन्ना, लियाकत अली खां, मोहम्मद इकबाल। डी, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग की इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। चौथी, रहमत अली पाकिस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। 76 नंबर, निम्न को उनके कालानुक्रम कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी, मुबारक शाह 1316 से 1320 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी, आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खां 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। 9 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, पुणे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण 9 से 22 जनवरी 2020 के मध्य गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया, समझिए तो बीत गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेजबानी भारतीय ओलंपिक संघ आईओए, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI और असम संयुक्त रूप से करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। पास्ट हो गया तो इसमें देख लेना होगा, करेंट का क्वेश्चन है। भारत और किस देश के संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ आयोजित किया जा रहा है? रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका, मंगोलिया। तो सी, भारत अमेरिका संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा
राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2019 पूर्वी समुद्री तट भारत पर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान में अंतर पारस्परिकता का विकास करना है। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, देश में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुष की संख्या, देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, देश में प्रति 1000 बच्चों पर लोगों की संख्या। लिंगानुपात का परिकलन हेतु प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। टर्की किनके मध्य स्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर। काला सागर भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। बी तुर्की या टर्की एक यूरेशियाई यूरोप एवं एशिया दोनों महाद्वीपों से विस्तृत देश है। इसकी सीमा 4 सागरों से लगी हुई है जो इस प्रकार है। उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन और मारा सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। अतः स्पष्ट है कि तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। काला सागर व भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं। 81 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो डी उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, मैं प्रश्न पे होल्ड कर दिया। ये हुआ, अब इसका उत्तर हो गया। 83 नंबर, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, बिहार। ठीक है, तो उल्फा उग्रवादी असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ तथा अन्य लोगों द्वारा 1979 ईस्वी में इसका स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अमेरिका संविधान से उद्देशिका का विचार न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका का सब भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। कोई सरकार एक साथ गति में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई कार एक समान गति में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्री में 10 घंटे कम लगते। कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो प्रश्न और उत्तर मैंने दोनों पे होल्ड कर दिया है, आप इसे अच्छे से देख कर समझ सकते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को एस्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन को, नियॉन को, जीनॉन को, नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, तो इसमें है जीनॉन को। हवा से भारी जीनॉन को एस्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवल ने 1898 में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। आर्गन AR प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। इसकी खोज रैमजे ने की थी।
विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। नियोन का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है। नियोन बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 87 नंबर, मैं इसे होल्ड कर देता हूँ, आप इसे देखने के बाद समझें। लंबा है तो मैं बारी बारी से होल्ड करता हूँ, पहले प्रश्न पे होल्ड कर देता हूँ, तो इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री का। फिर अब मैं उत्तर पे होल्ड कर देता हूँ। चलिए इस तरह से फाइनल कैलकुलेशन का आंसर हो जाएगा इसमें √3। आइए 88 नंबर पासा वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी आप देख लीजिए। चलिए देख लिए, अब इसका आंसर देख लीजिए। ओके 89 नंबर, लौंग का तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेंथाल, यूजेनाल, मेथेनाल, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो लौंग का तेल क्लोवर ऑयल का प्रमुख घटक यूजेनाल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग दांत के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन तथा टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। मेडागास्कर तथा इंडोनेशिया मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छंद में, मधुपुरा में। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छंद थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने चार अश्वमेघों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रवरसेन प्रथम, वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने चार अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया। शुंग वंश के उच्च शासक पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेघ यज्ञ करवाए। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन ने अपने विजयों को उद्घोषणा हेतु एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य व प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त था। और ये है प्रश्न, 5 सदस्यों की एक परिवार की 9 वर्ष पहले 92 नंबर 92 नंबर प्रश्न महत्व का है। मैं स्क्रीन को होल्ड कर देता हूँ, आप इसे पॉज करके वीडियो को देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। और ये रहा इसका उत्तर, मैं इसे भी होल्ड कर देता हूँ। चलिए आप फोटो खींच के इसके दोस्त देख सकते हैं, बाद में भी जब मन तब देख सकते हैं वीडियो से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के महत्व, बचत एवं संरक्षण के बारे में जागरूक करना है। उल्लेखनीय है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE वर्ष 1991 से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है।
94 नंबर, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 900-1200 मीटर की मध्य 750-1100, 750-1500, 750-1300। ठीक है, शिवालिक श्रेणी हिमाचल की हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के मध्य है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ। क्विसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो जल का बहाव, क्विसेक जल का बहाव की दर मापने की इकाई है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु आयन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा कारक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? प्रतिस्पर्धी, बेलोच, सस्ता, महंगा। तो महंगा। अवमूल्यन आयात को महंगा बनाता है। अवमूल्यन द्वारा उत्पादन एवं व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है। अवमूल्यन होने से आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि होती है। भारत में 1947 से अभी तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है। भारतीय रुपए का अवमूल्यन क्रमशः 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ। 98 नंबर प्रश्न, 98 नंबर क्वेश्चन, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता। तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता, केवल प्रबलता। तो सी है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जा सकता है। गुणता के कारण ही हम अपने मित्रों की आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं। किसी निश्चित दर पर, मैथ का प्रश्न है, ठीक है, मैं इसे होल्ड कर देता हूँ। चलिए मैं इसके उत्तर पे भी होल्ड कर देता हूँ। CISI का प्रश्न था, चलिए। और ये 100 नंबर ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देख लीजिए। चलिए तो प्यारे साथियों, मैंने रहमान सर की किताब, मेंस वाली किताब का सेट नंबर 2 आप लोगों के बीच पढ़ा। एक तरीके से मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बताया, सुनाया। इसे अभ्यास किया जा सकता है। इसमें जुड़े हुए जितने भी संकलन हैं, बहुत बेहद संकलन हैं। अगर कोई कमी है, कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं इसे बेहतर करने का प्रयास करूँगा, आपके उपयोग लायक बनाने का प्रयास करूँगा कि आपके उपयोग में आए। और कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत में लगता है कि आपकी तैयारी में भागीदार बन सकता है, मैं उसे लाने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। मेरे पास साधन है, पर्याप्त साधन है, कई प्रकार के मैटर हैं। जिस प्रकार से जैसे कहिएगा मैं आप लोगों को उपस्थित करा सकता हूँ। तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे सुझाव दीजिए। और अपने, अगर कोई कमी नहीं है तो, कमी है लेकिन ठीक है फिर भी, तो इसे अपने दोस्तों को, मेंस तैयारी करने वाले दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और इसे लाइक भी करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लगातार एजुकेशनल पे काम करने वाला हूँ। मैंने हाल ही में चैनल का नाम बदला है और इसका नाम है ज्वाइन स्टडी सर्कल। ये मुख्य रूप से स्टडी सर्कल पे ही निर्धारित रहेगा, यानी कि स्टडी की सूचना हो, टेस्ट सीरीज हो, नोट्स हो, सब कुछ स्टडी से जुड़ा हुआ होगा। तो प्यारे साथीगण, प्लीज़ हमें सजेस्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, हमें उत्साह भरने के लिए।
क्योंकि ये काफ़ी मेहनत के बाद मैं इस तरह कर पाया हूँ। और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं सेट नंबर 3 में। धन्यवाद।